इंदौर मध्य प्रदेश में आज एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नगर निगम की गाड़ी में भरकर बुजुर्ग और वृद्ध लोगों को कहीं ले जाया जा रहा है। बताया गया है कि इंदौर नगर निगम की गाड़ी में निगम कर्मचारियों द्वारा भरकर लाए गए सभी लावारिस बुजुर्ग लोगों को शिप्रा में छोड़कर जा रहे थे। शिप्रा के रहवासियों को जब पता चला तो सभी ने इसका विरोध किया, तब जाकर नगर निगम कर्मचारियों ने गाड़ी में वापस लेकर पता नहीं कहां छोड़ा है। इस वीडियो को लेकर जहां नगर निगम की शर्मनाक हरकत करार दिया जा रहा है, वहीं भाजपा सरकार की भी भारी किरकिरी हो रही है। ये इंदौर से भर के लाए, तुम आ गए हो नगर निगम की गाड़ी ये फेंकने आए। ये भैया शिवराम में लाके छोड़ रहे, फेंक रहे थे गांव वाले, तुमने वापस चमकाया तो वापस भरा। ये भैया है, तीन भैया, ये भैया अंदर अम्मा को बिठाओ यार, उठाओ बिठाओ उनको, उठाओ उनको, सबको फेंक देते चलते फिरते, लेकिन इनको तो नहीं फेंकना था। बात क्या है, मुख्यमंत्री का फोन आने पूछते हैं, क्या आदेश भैया, क्या आदेश है, पूछ पूछ। हम लोग तो कर्मचारी, हमारा कुछ 181 भी लगे दो, गाड़ी नंबर वगैरह, गाड़ी नंबर आपको सब सारी चीजें सब यही है। 181 लगा है, चलो गाड़ी के फोटो लो, गाड़ी के फोटो लो, पूरा गाड़ी के फोटो ले, नंबर देख नंबर। ये इंदौर नगर निगम गाड़ी है भैया, ये गाड़ी नंबर है भैया, इंदौर नगर निगम अतिक्रमण निरोधक वाहन। ये ड्राइवर साहब भी भैया, ये छोड़ने आए थे, फेंकने आए थे यहाँ, तो भाड़ा मारा जाएंगे उल्टे से तुम्हारे। ये भैया।